एक घर में पैदा हुए, साथ परवरिश हुई, एक साथ जद्दोजहद की, गिनती नहीं कर सकता उतनी शराबें पी ली। लेकिन तू मुझे यहां तना छोड़ गया मेरे भाई। माफ करते छोटे, मुझे माफ करते। ए, छाता उधर रख। हिंदुस्तान ने मेरे भाई को मारा। ए, वो रॉ का चीफ कौन है, उसका नाम बोल रहे? त्रिवेदी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मार डालूंगा उस जलील पिल्ले को मैं। मेरा भाई, मैं तुझसे वादा करता हूं, यहां तुझे अकेला दफन नहीं होने दूंगा, तेरे कातिलों को यही दफनाऊंगा। ए पठान भाई, काम तमाम कर दिया? हाँ मालूम है, टीवी पे देखा। भाई तेरे से बहुत खुश है। पठान भाई, मेरी दिली ख्वाहिश है बॉब माले भाई से हाथ मिलाने की। पठान भाई, एक बार बॉब मार्ली से मुलाकात करवा दो। सालों से खिदमत कर रहे हैं, एक बार तो उनसे मिलना बनता ही है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अब दुबई में मुलाकात होगी, उधर अपने ऐशे ऐश होने वाले हैं, पार्टी करेंगे, खाएंगे पियेंगे। लेकिन याद रहे, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही नाम का डंका बजना चाहिए, वो नाम है बॉब मार्ले। निकाल निकाल निकाल, मेरे रास्ते से तेरी जान निकालूं, सस्ते में गोली चलाऊं, हंस लेते या खून खराबा मस्ती में, ये तो नंबर का धंधा है, तू हट जा निकल जा, मुझे टाइम पे लाने जाना। चल तू बेटी को समझा क्या? आए आए अच्छा सुन, एक मिनिस्टर को उड़ाना है। अच्छा, वो शूटर क्या नाम बताया था तूने उसका? असलम। हाँ तो उसे ही काम पे लगा दे। मॉर्निंग सर। नंबर का धंधा है, तू हट जा निकल जा भाग जा चल फुट। बाय बाय। बॉब मार्ली, बम ब्लास्ट, मर्डर्स, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सारा बॉब मार्ली हमसे खेल रहा है। ताकतवर होकर भी हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस की वजह से हाथ में आए हुए बॉब मार्ली को छोड़ना पड़ा, और उनकी वजह से हम अपना सबसे स्पेशल एजेंट खो बैठे, और हम कुछ भी करने जाए तो ये सारे पॉलिटिशियंस हमारा हाथ बांध देते हैं। इस तरह कुछ नहीं बदलने वाला, लीगली जाए तो कुछ नहीं बदलेगा। लेट्स किल बॉब मार्ली आउटसाइड द लॉ। ठीक है सर, व्हाट डू यू सजेस्ट? एक ऐसे गैंगस्टर को आइडेंटिफाई करो जो हमारा काम कर सके। मुझे एक नीच, कमीना, खतरनाक साला चाहिए। किधर मिलेगा? पैसा वसूल पैसा वसूल, अरे वसूल 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 पैसा वसूल, अरे वसूल वसूल।
वसूल 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 पैसा वसूल। की हाल है सोनिए कुड़िए, चल आ जाते कुछ जफियां ते कुछ बप्पियां। आदाब हसीनाओ, उनके भाइयों, तेरे को आदाब, तेरे को सस्त्री का, दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो दोस्ती निभाऊंगा। 90 ml लेता हूँ, खोपड़ी घुमा डालता हूँ, अगर अपन को प्यार मिले तो मीठी जबान चलाता हूँ, वरना खोपड़ी खोल डालता हूँ। गलती से भी मेरा भेजा मत फिराना, वरना दी एंड। पंजाब के वीरों, राजस्थान के छोरों और मुंबई की छोरियों, आई एम तेरा तेरा सिंह, दिमाग थोड़ा मराकल से घोड़ा। अपन खुद की तारीफ अपन के मुंह से करेगा, अभी छूटा हूँ तिहाड़ जेल से। 40 चोरियां, 30 को टपकाए और 20 अस्पताल में है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो विकिपीडिया खोलकर देख लो। फाइटिंग के साथ साथ डांसिंग भी अच्छा कर लेता हूँ। यकीन नहीं होता है क्या? चलो ताली बजाओ। अगर किसी को सुपारी देनी हो तो 8 के बाद आ जाना। अब जाओ यहाँ से। ए चमक, चलो पासा भाई जा, बुखार चेक कर। ओहो, तुम तो बहुत गर्म हो। सिर्फ गर्म नहीं, पूरी भट्टी हूँ। तेरे को देख के भट्टी चालू हो गई रे। ओह जाने मन, हाँ? मैं तुम्हारे बदन की ऑलिव ऑयल से मालिश करूंगी, उसके बाद स्टीम दलवाऊंगी। बता कितना देगा? लालची औरत, कब से 50-50 की नोट उड़ाई, कहाँ रखे? असली डॉलर तो यहाँ है। आ गया ना मुँह में पानी, चल घर चल रानी। ऑटो का पैसा तू नहीं देगी? जाने मेरे पास बहुत पैसा है। बस रे, कीप द चेंज। शुक्रिया। अपना राजमहल आ गया, चल बेबे, आ गया अपना ताजमहल। जाने मन, इसमें से कौन सा घर तुम्हारा है? इस मोहल्ले में जितने भी घर दिख रहे सारे मेरे। कहाँ जाए? तुम्हें चुनू क्या? हाँ चुनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो वो वाला। चलो, उसमें डबल बेड भी है। इतनी रात गए कौन आज ढूंढता? कौन हो भाई? एक खेल खेलोगे? कैसा खेल? बोलो हेड या टेल। क्या मतलब? बोलना, हेड चाहिए या टेल चाहिए? चलो हेड। आइला टेल आया रहता हूँ। तो इसमें क्या? छुट जाओ। अरे ए चमक, चलो आ जाओ, आ जाओ। ए, अरे क्या बदतमीजी है, शराब पी के आए हो क्या? तू मेरे साथ गेम खेला कि नहीं? खेला तो तू हारा ना आता हूँ। हारा तो अब ये घर मेरा, चल निकाल। पता है तू किससे मुखातिब है? मैं एक वकील हूँ और तू मेरे ही घर पे डेरा डालेगा? तुझे मालूम है मेरे कितने बड़े क्लाइंट है? बॉब मार्ले तक मेरा क्लाइंट है। अच्छा अच्छा, नहीं तेरा बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे दादागिरी से किसी के घर पे डेरा डालना सेक्शन 346 के तहत ये जुर्म है, और तुमने यही जुर्म मेरे घर में घुस के किया। ऐसे कई सेक्शन लगा के तुम पे केस ठोक दूंगा। अपन भी केस ठोकेगा। किस सेक्शन के तहत? अंडर सेक्शन 1001 डायरेक्ट फैसला। वो क्या होता है? तू मेरे बारे में नहीं जानता। भेजा है थोड़ा, हाथ में है घोड़ा, सोचता हूँ थोड़ा, खंबा पीता हूँ बिना सोड़ा। अरे अगर मैं मर गया ना, तेरे पे मर्डर का केस लग जाएगा। ऊपर से आएगा केस करने, अभी यही ठोक डालूंगा। आप बता, केस ठोकेगा? कौन है ये? लग जाएगी।
मेरी देसी फुलझड़ी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मतलब भाग गई तेरी गोली चलाने पे। अबे शाले वो मेरी वजह से नहीं तेरी वजह से गई होगी। मैंने तो उसके साथ हनीमून भी प्लान कर लिया था ताऊ, अब किसके साथ जाऊं? चले करा। वैसे कौन थी वो? वो बार डांसर थी। हाँ तू तो उसके बारे में सब कुछ जानता है। मैं बता, तू अकेली है ना, बता तेरे को उसके बारे में कैसे पता चला? अरे डर गया क्या बस्ती वालों? शायद तुमको नहीं खबर, आई एम योर नेबर। मेरे को गहरी नींद आ रही है, गुड नाइट। अबे अंदर कहाँ जा रहा है? अरे ये शराबी इसी बस्ती में रहेगा। हाँ लगता तो यही है माँ। अरे दरवाजा, चल चल अंदर चल। हाँ चल। अपनी शादी का मेन्यू तो बता। शादी करूंगा, बच्चे खिलाऊंगा, तुझे घुमाने ले जाऊंगा। हेलो, कपड़े अच्छा धो लेती हो? हिंदुस्तानी नारी दुनिया की हर लड़की पे भारी, तू लगे प्यारी। तुम्हारी सादगी कमाल की, तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। लगी रहो। तिहार जेल में एक जेलर थी, वो बहुत तुम्हारी तरह दिखती थी, उसका नाम था पूनम। तुम्हारा क्या है? हारिका। चेहरे पे सूट करता है, तुम्हारी तरह वो भी मुझे निहारती थी। क्या करे, ऊपर वाले ने हैंडसम जो बनाया। बहुत लड़कियों ने मुझ पर डोरे डाले लेकिन मैंने किसी को भाव नहीं दिया, लेकिन तुम ट्राई करो ना। ए पूनम, मेरा नाम हारिका है। होगा, लेकिन आज से अपन तेरे को पूनम बुलाएगा। मैं ना के आ रहा हूँ, छोले कुलचे बना के रख। आ जाओ भीतर, ये वो, चलो चलो जल्दी आओ। ए, चल बाहर निकाल। वो पक्का भीतर है। हाँ तो खोल क्यों नहीं रहा? ना रहा होगा। चल बाहर, तेरा बाप मिलने आया है। अबे तो सामने आ। ताऊ, तू मानेगा नहीं, इस चोटी वाले बाबा को क्यों लाया? मेरी कथा छोड़, सामने आ तो बताता हूँ। नहीं आऊंगा, मैं अपनी शक्ल अरे गहरे को नहीं दिखाता। ये ताऊ, छोले कुलचा कहाँ है? छोले कुलचा मुझे कब बोला? तो किसे बोला था? हाँ पूनम को। पूनम, पूनम, जरा सुनिए, मैडम आपको बुला रही है। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? मेरी बहन पोर्टुगल कुछ काम से गई थी, वो अब तक नहीं लौटी है। उसने फोन करके मुझे कहा था कि उसे छुट्टी मिल गई है और वो जल्द ही हिंदुस्तान आ रही है। 2 महीने हो गए, वो अब तक नहीं लौटी। उससे कोई बातचीत भी नहीं हो पाई, उसे कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं। मेल किया था, उसका भी जवाब नहीं आया। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इस सिलसिले में किससे बात करूं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। उसका नाम क्या है? सारिका। अच्छा, किस सिलसिले में गई थी वो? ए चम्मा चलो, मुझे रात को अकेला छोड़कर भाग गई, तेरी याद में पूरी रात जागा। जानू जानू कह के गले पड़ रही थी, उसके बाद क्या किया, मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई। तूने 20 मांगा था, मैंने तुझे 40 दिया, डबल लेकर सिंगल काम भी नहीं किया। माफ करना जानू, मैं बहुत घबरा गई थी। घबराना काहे को, चल जो अधूरा काम है आज पूरा करते हैं। चिकनी हट रहे हैं। आज मोरा तेरा सिंह, आज तो शक्ल देख के रहूंगा। ऊपर वाले ने मुझे 2 आंखें आगे दी है, लेकिन खतरा नजर आते ही तीसरी आंख खुल जाती है। क्या रे, उस दिन इतनी मार पड़ी फिर भी मुंह उठाकर चलाया? उस दिन पेट नहीं भरा? तेरे को नहीं पता तूने क्या किया, लगता है हमारी तारीफ कभी नहीं सुनी।
बॉब माली को जानता है क्या? अपन अपने अलावा किसी को नहीं जानता है। हाँ, इसने घर पे जबरदस्ती कब्जा किया है, बताओ इसे घर मेरा है। वो घर अब मेरा है, तूने बोल दिया और हो गया। चल इसका घर खाली कर। नहीं करूंगा। क्या करेगा अब बता, पहले टकला फोड़ू या थोपड़ा? क्या बोला? अबे नवाकुल बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? तुझे मारने की बात कर रहा है ये। मुझे मारेगा तू? चल मार, मारना। बंदूक तान के गलती कर दे। अपने जैसा नमूना दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मेरे हत्थे चढ़ोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। ताऊ, मुझे तेरे पे रहम आ रहा है। सोच रहा हूँ इनकी हड्डियाँ तोड़ने के बाद तेरा क्या करूँगा। ए, इससे पहले कि ये हमें मारे, इसे यहीं दफना दो। क्या रे ताऊ, मुझे दफनाने से पहले तुम सब ऊपर पहुँच जाओगे। मारो इसे। ये सिर्फ चमड़े की बॉडी नहीं है, फौलाद है। वंस मोर। टकले, मैंने तिहाड़ जेल में बहुत से पत्थर फोड़े हैं, तो तुम लोगों को तो आसानी से फोड़ दूंगा। मेरे पे बंदूक क्यों तान रहे हो? You are under arrest. चमक छलो, तू रात की रानी नहीं है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या? Yes. Sir. हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। आई थिंक ही इज द राइट गाय फॉर आवर मिशन। हाउ कैन यू बी सो श्योर? शेर जैसा दहाड़ता है, दिमाग कंप्यूटर से भी तेज, बिना लात घूसे के बात भी नहीं करता। उसकी गर्म खोपड़ी का हम अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। क्या लगता है आपको सर? टॉक टू हिम। क्या बात है, यहाँ पर आकर बड़े शरीफ बन गए। मैं बचपन से शरीफ हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ। ए, सब पता है, चल बैठ। तुम्हारी तारीफ? टेढ़ा सिंह, आपकी तारीफ? मैं किरण, तुम कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ, और तुम्हारा खंड? ए, तुझे उंगली क्यों पकड़ाए, तू तो सीधा गले तक आ गया। जितना पूछ रही हूँ उसका सीधा साधा जवाब दे। शेर का कोई इलाका नहीं होता, जिस जंगल में वो जाए वही उसका घर। अपन को देखते ही सब दुम दबाकर भागते हैं, सट सट सटा। लेकिन तुम जैसे शेरनियों को मैं कोई चोट नहीं पहुँचाता। मेरी गुफा में आ जाओ, एक्स्ट्रा खाट भी है, अब पैसे भी मत देना। ज्यादा होशियारी मत झाड़, ये बता कि तू इस शहर में क्या कर रहा है, तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, बता किसके लिए काम करता है। सुनिए, अगर आप जोर डाल रही हैं तो मैं बता देता हूँ, चाहे तुम मुझसे शादी करो या बिना शादी के रहो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। तुम्हारी तनख्वाह हम दोनों के लिए काफी है। लगता है तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, जानता है दूसरा तरीका क्या है? नहीं जानना। सीधे मुंह बताओ वरना अंदर चल के योगासन करवाऊंगी। योगासन नहीं, लवासन। चल बताओ कि किसके साथ तेरा कनेक्शन है? आज तक हुआ ही नहीं, ना मेरी जिंदगी में पहले कोई था ना कोई आएगा। पर तुम आ सकती हो।
बहुत ही वाहियात था। इस नाचिस को बस आपके दिल में रहना है। आ जाऊं? जेल की सजा क्यों काटी? बंगाल के चीफ मिनिस्टर को मेरी सूरत पसंद नहीं थी। बिहार के सबसे बड़े डॉन और उसके बेटे को सुपारी देकर मुझे मारने भेजा था, लेकिन मैं वहाँ से गायब हो गया, उनके हाथ नहीं आया। फिर मैं लद्दाख गया, वहाँ पर उसने गुंडे भेजे, मैंने उन सबको वहाँ पर कट 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 काट डाला। मैंने खुद के बचाव में हत्या की थी, लेकिन कानून ने मेरी नहीं सुनी और तिहाड़ जेल भेज दिया, बैच नंबर 333, ब्लॉक डी, सेल नंबर 69। और ये है मेरे क्रिमिनल बनने की कहानी। तेरे लिए मेरे पास एक काम है, बोलो करोगे? नहीं करूंगा। अगर ना बोला तो तुझे उम्र कैद की सजा करवा दूंगी। क्या सेवा करो तुम्हारी? बॉब मार्ली को मारना है। ये बंदा कौन है? एक इंटरनेशनल क्रिमिनल। मैडम जी, 2x2 की खोली में रहता हूँ, खिड़की से छोरी को झांकता हूँ, शाम को क्वार्टर मारता हूँ, उसे मारकर मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूँ? तू उसके बारे में जानता भी है? इंसान की शक्ल में दरिंदा है, हर एक क्राइम में उसका हाथ है। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, हर एक चीज उसके कंट्रोल में है। विदेश में बैठ के वो क्राइम करवाता है। उस जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। हम पुलिस वालों के भी हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अब बोलो, हमारे लिए काम करोगे? कल रात को तेरे को 40,000 दिया, मैं कंगाल हो गया, आधा तो वापस कर। हजार नहीं, करोड़ों मिलेंगे, तेरी तो लॉटरी लग जाएगी। तूने जितने भी कुकर्म किए हैं उसकी सजा तुझे नहीं मिलेगी। मैडम, उसे मारने के लिए मुझे बहुतों को मारना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मुझे लाइसेंस टू किल का सर्टिफिकेट देना होगा। वो भी मिल जाएगा तो समझो काम हो गया। पहले मैं पिछू से उसके गैंग में घुसूंगा, फिर सामने से सबको ठोकूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। इस काम में मेरी बहुत एनर्जी लग जाएगी, तुम रिफिल कर देना। इस टेढ़ा सिंह को तुझ जैसी लेडी चाहिए। आज ही काम पर लग जाए। जनाब। सर। सर। खून किसने किया, कुछ मालूम पड़ा? कल रात मुजरिम पकड़ा गया। कौन है वो? सुलेमान। मुंह खोला उसने? हम मार मार के थक गए, मगर उसने अपनी जुबान नहीं खोली। मगर आप बेफिक्र रहिए, इसके पीछे जिसकी भी साजिश है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वो मेरा दोस्त था, मार दिया उसे। हम साथ ही बड़े हुए, समाज की भलाई के लिए कितने ही काम किए, मंत्री की शपथ भी हमने साथ में ही ली। आज नहीं तो कल मुझे भी वो लोग मार ही डालेंगे। मालूम करो कौन है वो, जिसकी भी साजिश है मर दो उसे। इस मुल्क में मंत्री ही महफूज नहीं तो बेचारी जनता का क्या होगा? सर, मार्केट में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। क्या हुआ? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या हो रहा है मेरे मुल्क में? कुछ खुदगर्ज लोगों ने मेरे मुल्क को जहन्नम बना दिया। बस बहुत हुआ, अब कोई भी मुजरिम बख्शा नहीं जाएगा। जी सर। जाओ। बाजार में धमाका करने वाले तुम ही हो ना? हाँ, मैंने ही करवाया था। एक एसीपी को मारने के लिए इतना बड़ा धमाका करने की जरूरत क्या थी? शेर को जाल में फंसाने के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस हादसे के बाद लोगों की मदद करने के लिए एसीपी वहाँ जरूर पहुँचेगा, पर वहाँ उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होगी। बूम।
बस एक बात का ख्याल रखना, सुलेमान का मुंह नहीं खुलना चाहिए। अभी बहुत से काम बाकी हैं, जिन्हें सिर्फ बॉब मार्ले ही पूरा करेगा। बॉब मार्ले की जय हो। जय बॉब मार्ले। जय जय बॉब मार्ले। भैया रिक्शा खाली है? हाँ खाली है। कहाँ जाना है आपको? एसआर नगर। ठीक है। ए चल ऑटो खाली कर। अरे भाई साहब आप कौन है? ये मेरी ऑटो है। तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का है। अरे ऑटो ले जाओगे तो मैं कमाऊंगा कैसे? अरे क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ए चल ना। तेरी ऑटो। हेल्प हेल्प। अरे पूनम तू इस ऑटो में कैसे? मुझे फॉलो कर रही है। करो करो, इश्क हो गया है, छुपाओ मत। पीछे मेरी पूनम है। पहले बताओ मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा हूँ, ये ऑटो हमें लेकर जा रही है। अब ये जहाँ जाएगी हम भी वहीं जाएंगे। साइड में रोक दो, मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। ऑटो में ब्रेक नहीं है। वैसे पता है कल रात को तू मेरे ख्वाब में आई। काहे को आई? मैं तो नहीं आई थी। हाँ? तू नहीं थी? इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए है नशा अच्छी चीज नहीं है, रात का सुबह याद ही नहीं रहता। राइट ना? मैं क्या जानू। अरे राइट जाना की लेफ्ट 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 लेफ्ट। ओके मेरा ठिकाना आ गया, मैं जा रहा हूँ। हाँ? लाइसेंस है ना, ऑटो चला के निकल लो। अरे हॉर्न। ओके प्लीज। मम्मी को तुम्हारे शादी की फिक्र है ना? वो तो मुझे नहीं पता। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, शाम को मैं घर आऊंगा और तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। क्या? शादी का नाम सुनते ही लाल हो गई हो। क्या पागल है क्या? फुल पैसा वसूल। हाँ चल बाग। टकलू भाई, वो भाई आपसे बात करना चाहते हैं। ए कौन भाई? टेढ़ा सिंह। लो भाई। भाई इस वकील के चक्कर में अपन लोग काय को पंगा पाल रहे हैं। हम लोग मांडोली कर लेते हैं, उसके बाद एक खुफिया राज बताऊंगा। चला के मिल। आता हूँ। मुझे खुन्नस में घूरने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा बंदा हूँ, दोस्ती कर लो मुझसे। बैठना बैठना। चले। जो कहने आया था वो बोल। पुलिस ने तुम्हारे बॉस को टपकाने की मुझे सुपारी दी है, साथ में तुम्हें भी टपका दिया तो अपनी तो चांदी ही चांदी। पर अपन यारों का यार है, बॉस को मार दूंगा और तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तू झूठ तो नहीं बोल रहा? गंजी फसल, अपन को झूठ बोलने की बीमारी नहीं है, इस मुँह से जो निकलता है वो सच्ची होता है। बोल। बॉब मार्ली के बारे में तू क्या जानता है? न तू न तेरा डिपार्टमेंट बॉब मार्ली को हाथ भी नहीं लगा सकता। अबे जंगली भालू, डिपार्टमेंट को भूल जा तू, अपन ने बोल दिया तो बोल दिया, अब तो उसको मरना ही पड़ेगा। अरे भाड़े के चमचों, आपस में टकरा कर कुछ नहीं होने वाला, हमें मिलजुल कर काम करना होगा। मैं हूँ आज से तुम सबका नया बॉस, आज से तुम सबकी पेमेंट डबल और ओवर टाइम अलग से। बैठो बैठ जाओ। बंदूक नीचे करके आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्या सौदा करना है? चल बोल। फ्रेंडशिप, पुरानी सारी बातें भूल जाओ, पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दूंगा। ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा, इस घूसखोर वकील का घर मेरे नाम कर दो। ये क्या बक रहे हो? घर मेरे मेहनत की कमाई का है। वकील, मैं जानता हूँ कि कौन सी काली कमाई से तूने वो घर बनाया है। बता, पोल खोल दूं? अरे क्या सोचता है, तुझे भी मेरी टीम में लेता हूँ। है? है? सेल्फी। क्यों पठान, पुलिस की कोई नई चाल है क्या? नाम क्या है उसका? टेढ़ा सिंह। टेढ़ा सिंह। ठीक है, ऐसा करो अपने बंदों से कहो कि उस पर नजर रखें, मालूम करो उसे अपॉइंट करने वाला कौन है और उसने क्यों किया। रोको रोको गाड़ी, रोको ड्राइवर गाड़ी रोको। ये देखो ये वही लड़की है, जल्दी जाओ पकड़ लो उसे। चल रहा है।
ऑरेंज कैसे दिए? 40 रुपए किलो। आपको क्या चाहिए? गाजर खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, लौकी खाओ, सब्जी और फलों से सेहत अच्छी बनती है। अपने खूबसूरती के साथ खिलवाड़ मत करो। भैया जी, ये 1 किलो बैंगन देना। हाँ लीजिए। ए चाचा, उसने मांगा और तोलना शुरू, तू क्या? ए पूनम, मुझे बैंगन पसंद नहीं है तो आज की दावत कैंसिल। वैसे तुम्हें दावत पे किसने बुलाया है? नहीं बुलाया, बंदा सामने है, अभी बुला लो। पूरे मार्केट में ढूंढूंगी, मुझ जैसा नहीं मिलेगा। ए पूनम, सब्जी तोलने से अच्छा है जरा मेरे प्यार को तोल के देख। मेरा नाम पूनम नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे फॉलो मत करो। ए, मुझे दुनिया फॉलो करती है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। तो अभी जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? हेल्पिंग, सपोर्टिंग, तुम्हारी केयरिंग और हगिंग। भाई साहब, भाई साहब, 2 किलो टमाटर जल्दी से दीजिए ना। ए पूनम, यहाँ मुझे ठेंगा दिखाकर घर जाकर टमाटर सूप पियोगी? प्यार आए तो खिलाता हूँ, सर फिरा तो उड़ाता हूँ। धमाके की आवाज से मार्केट हो गया क्लियर। पिछली बार जब मैं तुम्हारी बहन से मिला था 17 अप्रैल को, उसने बताया था कि वो किसी खास काम से पोर्चुगल जा रही है। वही मेरी आखिरी मुलाकात थी, उससे फिर कोई बात नहीं हुई। ऑफिस वालों ने बताया कि वो 4 अलग अलग होटल्स में रुकी थी। एक और बात, उसने अपना क्रेडिट कार्ड आखिरी बार यूज किया था एक इटालियन रेस्टोरेंट में। मैंने पोर्चुगल पुलिस से बात कर ली है, उन्हें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मुझे कॉल करेंगे। और जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तुम ऑफिस मत आना। तुम सारिका की सगी बहन हो, ये बात किसी को भी पता ना चले। मैं बहुत जल्द तुमसे वापस मिलूंगा। भाई, भाई बोल वकील, क्या बात है? अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, अपन को बुरा वरा नहीं लगता है, अंदर आ जा, बैठ जा। शुक्रिया। गीदर शेर की गुफा में क्यों आया? गेम खेलने आया था, वही हेड और टेल वाला। मेरा गेम मेरे पे आजमाएगा? जी बिल्कुल। देखो, अगर जीत तेरी हुई तो घर तेरा। अच्छा, अगर मैं जीता तो बदले में क्या देगा? क्या दे सकता हूँ भाई, जान के अलावा? चलेगी ला। भाई नहीं 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 भाई, नहीं नहीं भाई, मेरी जान मत लीजिए। वकील, तूने अभी मुझसे वादा किया है, अगर वादे से पलटा तो ट्रिगर दबा दूंगा। तू शातिर है तो मैं कातिल है। मेरे खोपड़ी को झूठ पसंद नहीं है, ठोक डालूंगा छी की छे। बोल आखिरी ख्वाहिश क्या है? इस गेम को खेलना ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। निकाल, कॉइन निकाल। हाँ हाँ भाई, निकालता हूँ भाई, ये रहा। बोलिए क्या कहते हैं, हेड या टेल? मेरे को हेड पसंद है, उछाल। हाथ खोल, देखना क्या आया है। नहीं देखना, मुझे डर लग रहा है भाई। नहीं देखेगा? नहीं। देख ले, तेरी तकदीर महान है या मेरी बंदूक की गोली बलवान है। भाई है? मेरी तकदीर बलवान निकली, मैं जीत गया, अब ये घर मेरा है। तेरा है? हाँ। बच गया कालिया, ले लो। तू बच गया, पूनम भी बच गई। मैं अकेला ही था, ये नाम से नहीं अकल से भी टेढ़ा है। चलिए आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सोने जा रहा हूँ। सोने की इतनी जल्दी क्या है तेरे को? अब उन तरह साथ गेम खेला मांगता है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, भाई मैं किसी खेल में पका नहीं, अभी तक कच्चा हूँ। कच्चा है इसलिए बेईमानी से घर वापस लिया? निकाल, कॉइन उछाल। भाई ये झूठ है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन नहीं कीजिए। ड्रामा कर रहा है। चल चल चल, अरे अरे अरे, तू दूसरा कमरा देख। चल सिक्का उछालते हैं। नहीं नहीं भाई, वो गुंडे हैं वहाँ पे। है? छोड़ो भी, वकील बाबू हमने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है, है? चल रे वकील। अरे, 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 अ
बहन कहाँ है? हाँ? अरे फाइल कहाँ रखी है? हाँ रखी है, बोल। कौन सी फाइल? मुझे कुछ नहीं पता। बोल। क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ छोड़ो, बोल। छोड़ो मुझे। हार्ड ड्राइव कहाँ है? हाँ। पता? माँ। बोल ना। छोड़ो मुझे। बोलेगी अब? मुझे कुछ नहीं पता। कौन है? कुछ नहीं जानती। मत करो। सलाम भाई। कौन है तू? इधर क्यों आया? मेरे बड़े भाई को फिल्मों का शौक है, इसीलिए इसे एक्शन दिखाने लाया। इधर कोई फिल्म नहीं चालू है, चल निकाल। हा? फिल्म के सारे कैरेक्टर यहीं पर है। आई एम द हीरो, यू आर द विलन, एंड यू आर चमचा टचिंग माय हीरोइन। देख, हो गया ना एक्शन शुरू। अकेल तो बैठ जा वरना लग जाएगी। पागल हाथी को तुम छेड़ोगे तो कुछ ले जाओगे। मेरे को दो दो क्यों दिख रहे हैं? डबल रोल है क्या सबका? पर मैं अकेला, तुम सब डबल रोल वालों को फोड़ डालेगा। दोनों में से कोई नहीं हिलेगा। चुपचाप भाग। और मर। कुछ मिला क्या उसका घर से? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो फौरन खत्म कर दो उसे। गोली चलाई थी लेकिन एक हीरो ने आके गोली पकड़ ली। कौन है वो? टेढ़ा सिंह। टेढ़ा सिंह, सत श्री अकाल वड़क्कम मैडम। कुछ बता सकती हो उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? देखिए मैम, वो तो मैं नहीं जानती, पर वो यकीनन मेरी बहन के बारे में कुछ जानना चाहते थे। एक तो मेरी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा और ऊपर से ये गुंडे हमारे पीछे पड़ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम। पोर्टुगल में मेरी बहन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना मैडम? हारिका, मुझे बता सकती हो उन्होंने तुमसे कहा क्या था? क्या पूछ रहे थे वो तुमसे? किसी ने उनके बॉस के कुछ वीडियो शूट किए थे, वो उसी के बारे में पूछ रहे थे। हम इसकी छानबीन करेंगे,
मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। उसे ढूंढ निकालिए मैम। जरूर हेल्प करूंगी। तुम्हें इस पे भरोसा करना होगा बिकॉज ही रियली लाइक्स यू अ लॉट। इसलिए वो तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेगा। उसके साथ साथ चलोगी तो मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। बाकी मैं देख लूंगी। टेढ़ा पैसा यार। ए, चल भाई को पिला कुछ। भाई आपके लिए स्पेशल ठंडी बियर है भाई। ये क्या किया इसने? क्यों मारा इसे? क्या सबको मार डालूंगा। चुप। क्या इसको दोस्ती बोलते? दोस्त बोलकर दोस्त की गर्लफ्रेंड को अगवा करने की कोशिश की। उसे हमने अगवा नहीं किया, हम उसे जानते भी नहीं। तेरे बॉस बॉब मार्ली ने किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं हॉस्पिटल में टेढ़ा पैदा हुआ था। नाम भी टेढ़ा, खोपड़ी भी टेढ़ी। दोस्ती गई तेल लेने, अब सिर्फ जंग होगी। आइंदा गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजे तो देख लेना। आज से मैं तुम सबका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। आज से मैं तुम लोगों के गैंग में नहीं हूँ। इस गैंग को छोड़ के मैं अपनी दूसरी गैंग बनाऊंगा। आज से मेरे रास्ते में कोई आया तो सीधा उड़ा दूंगा, फुल एंड फाइनल। अबे भड़क गया। वार्निंग पूरे गैंग के लिए थी, अकेला क्यों आग बबूला हो रहा है? तो क्या मारूंगा नहीं तो जाए? मारेगा मुझे। डॉक्टर वाली गोली भी आज तक अपन ने नहीं खाई। चाहिए क्या तेरे को? टाइम आएगा तो बताऊंगा। बॉस को बताते, खेल उसने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। कभी ये टेढ़ी बात करता है, कभी सीधी बात करता है, क्या करूं इसका? हर बार एक ही बात कहता है कि बॉब मार्ली को मार देगा। ये है कौन? पुलिस ने जिसकी भर्ती की और यहां भेजा, लड़की की जान बचाने वाला शख्स भी वही है। मुसीबत खड़ी करेगा। इसके अगले पिछले की पूरी जानकारी लो। क्यों री, मेरे लिए बंठन कर आई हो? किसके नाम की पूजा हो रही है? ये पूजा तुम्हारे लिए है। अच्छा, पर किस बात की पूजा है ये? आज करवा चौथ है ना? हाँ, तो आज लड़कियाँ भगवान से दुआ मांगती हैं कि 7 जन्मों तक उन्हें यही पति मिले। लड़कियाँ ये दुआ इसीलिए मांगती है ताकि वो फायदे में रहे। वो कैसे? बहुत सिंपल है। पहले 2 जन्म में तो तुम पति को सारा घर का काम सिखाओगी, फिर अगले 5 जन्म तक उसी लड़के से शादी करोगी ताकि उसे दोबारा सिखाने की जरूरत ना पड़े। तो आप समझी इस पूजा से लड़कियां कैसे फायदे में रहती हैं? तुम्हें मेरे मन की बात बताऊं? वैसे मैं भी तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। अच्छा, क्या सिखाना है? जब भी खड़े होने का इशारा करूँ तो खड़े हो जाना, जब भी मैं बैठने के लिए कहूँ तो बैठ जाना, और जो भी खिलाऊँ वो प्यार से खा लेना। पहले पहले तो लड़कियाँ गुलकंद की तरह मीठी बातें करती हैं, चूना तो बाद में लगाती हैं। ला मीठा पान खिला, ला। अरे मैम, टेढ़ा सिंह के बारे में सारी डिटेल्स गलत निकली। क्या? जी मैम, उसे कभी भी जेल हुई ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने उसकी सीसीटीवी फुटेज देखी, वो विदेश से आ रहा था। मुझे सारिका की खबर मिल गई। I'm sorry, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका किसी ने खून कर दिया। उसके खूनी की तस्वीर भेज रहा हूँ। तुम्हें ईमेल कर दिया है। मंत्री जी, हमें टेढ़ा सिंह की तस्वीर मिल गई है। आप उसे देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वही शख्स है ना? आप बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपको उसकी तस्वीर भेजता हूँ। मत भेजो, मत भेजो, गलती से भी मत भेज देना। उसे खत्म करने के बाद उसकी लाश की तस्वीर भेजना। जितने चाहे उतने लोग ले जाओ अपने साथ में और खत्म कर दो उसे, खत्म कर दो। चल 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 च
अच्छी तरह से देखो। ढूंढा कोई नहीं है। वो घर पे नहीं है, क्या करना है? उसकी माशूका सामने वाले घर में रहती है, उठा लो उसे। एक बार वो हमारे हाथ आ गई तो वो भी खुद खुद हमारे पास आ जाएगा। क्या बोलता है भाई, ठोक दूं क्या उसको? मैंने तुझे जितना कहा है उतना कर, तू अपना दिमाग मत लगा। तू उस आदमी को जानता नहीं है जितना मैं जानता हूँ। वो बहुत ही टेढ़ी खोपड़ी है, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। उसकी माशूका को पहले उठा के ले आ। एक बार फिर सोच लो भाई, उड़ा ही देते हैं उसे। दिमाग खराब है क्या? अगर उसे मार दिया तो हम सबको भी नहीं छोड़ेगा। मैंने जितना बोला है उतना कर, तू बस उस लड़की को उठा के मेरे पास ले आ। जंगल के शेर को यहाँ बुलाकर तुमने मौत को दावत दी है। पहले भी तुम्हें वार्निंग दी थी पर अभी तक तुम लोग नहीं सुधरे। मेरी माशूका को छोड़ दो वरना कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। खोखली धमकी दे रहा है, आपने डरना नहीं सीखा? अगर धमकी खोखली लगती है तो आके आजमा ले। आ जाओ टाइम वेस्ट मत करो। जब भी तेज तूफान आने वाला होता है तो मौसम विभाग चेतावनी देता है, किसी को डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए। तुम लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड है, आखिरी ट्रेन आने वाली है उसे पकड़ के निकल लो। प्लेटफॉर्म पे जो रुकेगा उसे ना मोहलत मिलेगी और ना ही माफी। जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। पिस्टल है।
अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है। आखिरी मौका, आखिरी ऑफर। तुम मेरे बहन की खूनी हो। तुमने मार डाला उसे। जिस तरह से तुम लोगों को मार रहे हो, एक हत्यारा ही ये कर सकता है। बोलो, मेरी बहन को क्यों मारा तुमने? बताओ क्यों किया ऐसा? क्यों मारा? अपने को दो ही लोग खाव दे सकते हैं, फैंस एंड फैमिली, और किसी को हक नहीं। अभी खबर मिली है, कल शहर में दो बड़े आतंकी गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। घटनास्थल पे गोलीबारी भी हुई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये भी पता चला कि टेढ़ा सिंह ने 30 लोगों का खून कर दिया। ये खून करने के पीछे उसका मकसद क्या था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। खबर मिली है, पुलिस ने टेढ़ा सिंह को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन रख नहीं पाएंगे। कौन है तू? कहां से आया है तू? बोल, बता किसके लिए काम कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई? नहीं सर, अभी चालू है। जेल के अंदर ही रखोगे तो खत्म कैसे करेंगे उसे? अभी मुमकिन नहीं है, इंतजार करना होगा। उसने हकीकत बयां कर दी तो मेरी कुर्सी कहीं समझो। सर मैं अभी बात नहीं कर सकता, आई विल कॉल यू लेटर। अरे सुनो सुनो, हारिका और इसकी माँ जानना चाहते हैं कि सारिका के साथ असल में क्या हुआ। एक सड़क हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी दोनों बेटियों को पाला है, लेकिन सारिका ने कम उम्र में ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, वो हम दोनों का सहारा है। उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगती हूँ, बता दो मेरी बच्ची कहाँ है। तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बताओ वो कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ। सारिका से मेरी पहली मुलाकात हुई थी पोर्चुगल में। रुको, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हाय, मैं टेढ़ा सिंह, टैक्सी ड्राइवर। ऐसे क्यों चला रहे थे? मुझे कुछ हो जाता तो? दूर से ही तेरे पे नजर पड़ी, लगा तू मेरे लिए बनी है। टैक्सी गियर में डाली और सोचा अपनी तकदीर एक बार आजमा लूं, इसलिए स्पीड बढ़ाई। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो? आ? भाग जाऊँ? इसमें मेरा घाटा नहीं तेरा घाटा है। बता कहाँ छोड़ू तुझे? सेंट्रल पार्क। किराया होगा 100 यूरोस। तुम तो लूट रहे हो।
अगर ये लूट लग रही है तो पैदल जाओ, फिर मत कहना तुम्हारी मैंने मदद नहीं की। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। अरे छोड़ो, पूरा यूरोप घूम कर आओ, मुझसे सस्ता ड्राइवर नहीं मिलेगा। गधे की तरह बकवास करना बंद करो, मैं चुटकी बजाते ही तुमसे सस्ता ड्राइवर ढूंढ सकती हूँ। अब बस देखते जाओ मेरा कमाल। मैं जा रही हूँ। जल्दी जाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ तो यहाँ तुझे रोक कौन रहा है? ओके। कपड़े ब्रांडेड है पर जेब खाली है, अच्छाई का जमाना नहीं है, किसी की मदद करो तो ऊपर से चार बातें सुनाते हैं, अभी पता चलेगा उसे। हेलो, सेंट्रल पार्क। 200 यूरोस। ओके थैंक्स। दूसरे वाले को पूछो, वो फ्री में छोड़ देगा। हाय हाय, सेंट्रल पार्क। 250 यूरोस। ओके। इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बाबू और बताओ क्या चल रहा है? ये बाबू बाबू क्या लगा रखा है, ढंग से बात करो मुझसे। क्या यार, तुमसे बात करना ही बेकार है, हर छोटी बात पर चिढ़ती हो। तुम्हारा पति बहुत ही दुखी होगा, रोमांस का ज्ञान मुझसे ले लो, मैंने अनगिनत लोगों को ट्रेनिंग दी है, मैं लव गुरु हूँ। अरे गाड़ी में ब्रेक नाम की चीज भी होती है, पार्सल भेजना है। एड्रेस बता। तू जानता है ना, सीधा साधा सामान है तो नॉर्मल रेट, अगर कुछ लोचा हुआ तो डबल रेट। ठीक है, ये काली पीली में नीली सूट वाली सवारी किसकी है? मेरी है। इस गुलाबों का तू जितना ख्याल रखेगा उससे ज्यादा मेरे सामान का ख्याल रखना। रख लूंगा। क्या? ओके अतरवा जी, थोड़ी जगह दीजिए, पोटला रखना है। क्या कर रहे हो, इस बैग के अंदर है क्या? बड़े बड़े पत्थर है, खाओगी क्या? चलो चलो। बैग में ये सब है क्या? और जब मैं बैठी हूँ तुम्हारी टैक्सी में तो तुमने ये सामान क्यों लिया? रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी से नीचे उतरिए, सीट बेल्ट लगा लो, अब ये टैक्सी फ्लाइट में तब्दील होगी। क्या? ए, ए, रुको, ए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैं गोली मार दूंगा। 8426 FF, वो लोग भाग रहे हैं। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं काले धंधे भी सफेद तरीके से करता हूँ। पूछेगा कि ये सामान किसका है तो मैं कहूंगा तुम्हारा है। बोल रहे हो? तो फिर गाड़ी रुकने के लिए क्यों कहा?
लेते, थोड़ी पढ़ाई कर लेते तो शायद डॉक्टर बन जाते। डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर बन जाते। 200 यूरोस निकालो। 100 की बात हुई थी, 100 यहाँ तुम्हें पहुँचाने के, 100 बकवास सुनने के। मैं नहीं दूंगी इतने पैसे। और अगर बदतमीजी की ना तो पुलिस के पास चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ ना, जाओ। जितना दूर जाओगे उतना करीब आओगी। मेरा किराया मैं सूद समेत वसूलूंगा, उस एरोप्लेन की कसम। बाय बाय। कमबख्त एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बहुत ज्यादा फुदक रहा है, उसे तोड़ा तोड़ा के मारना, उसका वो असर करना कि उसके डिपार्टमेंट के अफसरों की धड़कने रुक जाए। शांति, रुक, शांति, शांति, रुक। ऑफिसर, जरा इधर देख। पापा, बचाओ! पापा! मोंडू! जा 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 दिया तो यहाँ वसूल करने आए हो। अगर मेरी खोपड़ी हट गई ना तो जेल भिजवा दूंगी तुम्हें। ओहो, चक्की पीसोगे वहाँ पर। अच्छा, तुम जाहिल हो, बेवकूफ हो, काला धंधा करते हो, पता नहीं और क्या क्या हो। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। ऐसे देखोगे तो आंखें फोड़ दूंगी, समझे? क्या है ये? तुमने कुछ मंगवाया था ना, वही देने आया था। बक बक सुन के माइंड चेंज कर लिया, अब पुलिस को जाकर दे देता हूँ। रुक 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 रुक, नहीं 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 नहीं, प्लीज। देखो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, मैं कुछ लेकर जाऊँ तो स्मगलिंग और तुम कुछ मंगवाओ तो कॉन्फिडेंशियल? हम करे तो हाकार, तुम करो तो चमत्कार। मुझे तेरे पे पहले से शक था। क्या? चल सोफे पे बैठ के बात करते हैं। पुर्तगाल क्यों आई? इस मकसद से आई है, बता। चुपचाप यहाँ बैठ, जब तक सच नहीं बताएगी मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास लैपटॉप है, दूरबीन भी रखा है, हार्ड डिस्क में क्या है? वो पूरी खाली है। अब इस बॉक्स का राज क्या है? तुम आतंकवादी हो या राष्ट्रवादी? देखो उसे यहाँ नीचे रख दो। हाँ, अभी इसे खोलकर मैं देखता हूँ। हाँ, ये तो गुंडी है। सुन, तुमने मेरा दिमाग खाया इसलिए मैं यहाँ आया। तुमसे राज उगलवाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब अगर तुमने कोई चालाकी की ना तो रात यहीं रुक जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं यहाँ इल्लीगल, तू इल्लीगल। वो तो है। मैं खतरनाक, तू भी खतरनाक। पता है। मैं इंडियन, तू भी इंडियन। हाँ हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। चलो मेरी जेब में हाथ डालो। क्या डालो?
कुछ हाथ लगा? ये है मेरा विजिटिंग कार्ड, तेरा सिंह, टैक्सी चालक, डे एंड नाइट फुल सर्विस। मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, फुल पैसा वसूल। Hello. 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 How about you? I'm good. Hello. Hello. Hey, what's up? Hello. Hi. Hello, Mantri ji. कैसे हैं? कैसा है मेरा भाई? सब खैरियत? खैरियत, सब खैरियत। ये मेरा भाई सनी है। Ah. Hi. तुम्हें एहसास भी है क्या तकदीर है तुम्हारी? ऐसा भाई बड़ी किस्मत से मिलता है। You are a very lucky person. जानता हूँ, ऐसा भाई तकदीर वालों को ही मिलता है। मुझे अपने बच्चे की तरह रखते हैं। चलो अंदर चलते हैं। मुझे ये लड़की चाहिए भैया। कौन सी वाली? वही जिसकी शादी हो रही है। बेटा तुमने थोड़ी सी देर कर दी, इसके तो अब शादी होने जा रही है। सुहाग रात मेरे साथ ही होगी। ये है मेरी बीवी लीजा। आज तुम्हारी शादी की रात है, इसे मेरे कासल में बिताओ। मेरी तरफ से ये शादी का तोहफा है। शुक्रिया सर। उम्मीद है तोहफा पसंद आया होगा। हाँ। थैंक यू। ये गलत हो रहा है सर, वो मेरी बीवी है। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसे सर, प्लीज। तो वो भी मेरा भाई है, वो भी लाडला। तुम्हारा भाई किसी चीज के लिए जिद करता तो तुम क्या करते? अगर मेरा भाई ऐसी घिनौनी हरकत करता तो मैं उसे जान से मार देता। तो मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलना। वो लगता है जिगर है मेरा। भाई इसका काम खत्म हो गया भाई। है? ये कैसे मर गया? थोड़ा सा गुस्सा किया मैंने और धक्का दिया। भाई याद करो, बात करते करते तुमने घुसा दिया। मैं नहीं जानता ही। मैंने इसे कब मारा? भाई चाकू आपके हाथ में था, इसने आपके भाई को गाली दी तो आपने घुसा दिया। इट हैपेंस, इट्स गॉन। भाई हो तो बस ऐसा ही हो, कितना क्यूट है। एक्चुअली हम दोनों ही मासूम और भोले हैं, ऊपर वाले की नवाजिश है। ये अंग्रेजी पीने के बाद एक छोटी सी मक्खी भी बड़ी दिखती है। अरे ये मक्खी नहीं है, ड्रोन है ये। कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। पकड़ो उसे। चलो चलो ढूंढो उसे। भाई इस वीडियो में मैं भी दिख रहा हूँ ना। अबे मैं दिख रहा हूँ तो तू क्या इनविजिबल है? फूटी मेरी किस्मत। अगर ये लीक हो गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। सवार कर। भाई
उधर उधर देखो। जानते हो टेढ़ा सिंह, शेर मेरे नजर के सामने था, मेरे आसपास घना जंगल था। तीन दिन से उस शेर ने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद पता है क्या हुआ? वो शेर मेरे सामने आ गया, फिर नजर से नजर मिली, मैंने अपनी तलवार निकाली। वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैं गुस्से में उसकी ओर बढ़ा, मेरा खून खौल रहा था। हाँ या, हाँ या, हाँ या, हाँ या, एक मिनट के लिए भी नजर नहीं हटी। उसके बाद तेज रफ्तार से मैंने खचक 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 तलवार चला डाली। तू मुझ पे यकीन नहीं करता है ना? करता हूँ ना। तेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा है, उस शेर को मैंने गंजा कर दिया। अच्छा? उसके बाद पता है क्या हुआ? अपना बहादुरी का किस्सा मैंने सर्कस वाले को सुनाया। वहाँ रिंग मास्टर की जगह खाली थी, पर उन्होंने मुझे जोकर बना दिया। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? एक दिन मुझे अपनी लैला मिल गई। मेरे प्यार में वो पागल हो चुकी थी और मैं उसके प्यार में दीवाना बन गया था। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि इसी ने मुझे जोकर बनाया था। तभी मुझे डाउट हुआ, इसके प्यार में कुछ तो झोल है। फिर मुझे पता चला कि मेरी लैला का चक्कर तो रिंग मास्टर से ही चल रहा था, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। तूने अपन को क्यों नहीं बताया? तू एक बहुत बड़ी झोलर है। क्या कह रहे हो तुम? बात मत घुमा। तुम जैसी लैलाओं की वजह से हम जैसे मजनू बेवड़े बनते हैं। अपन ने सही खाना है। बिल्कुल सही। हमें अपनी सच्चाई बता। लैला के दिए जख्म को हम कैसे ठीक करें? रम को रम में डुबा के। तो एक और जाम का टकलो। अरे मैं मदिरा नहीं पीती हूँ। अरे तुम क्या चीता भी पीता है? अच्छा बताओ लैला कौन है? तुम्हारे लैला के बारे में पूछ रही है, जवाब दो। अरे जवाब दो। I am a fan of NBK. I have 101 fever. My nurse told me, take medicine. मैंने फिर पता चला कि वो तो स्मगलर है। कल रात एक पार्टी के बहाने उसने मुझे भी शराब पिला दी और मुझे चढ़ गई थी। फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसने मुझसे क्या कहा, मैंने उससे क्या कहा, कुछ भी याद नहीं है मुझे। बस इतना याद है कि उसके बाद हम दोनों ने डांस किया था। अब शायद मैंने उसे 6-7 किस भी कर दिए। अरे छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, दिखने में कैसा है? दिखने में तो ठीक ठाक है। क्या बात है, तुम तो मजे कर रही हो। पर होशियारी बहुत मारता है। अच्छा ये बताओ, माँ कैसी है? एक मिनट, तुम खुद ही बात करो। सारिका, मैं बात करती हूँ। बेटा क्या हाल है? मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। क्या हुआ, नाराज है? हारिका ने सब कुछ बता दिया। आप टाइम से दवाइयाँ नहीं लेती हैं। बहुत कड़वी है दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ दे दी है, मुँह का टेस्ट ही बिगड़ गया है। अगर आप दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो मैं भी खाना खाना छोड़ दूंगी। अरे ऐसा मत कहो बेटा। हारिका। क्या है सारिका? माँ के दवाई लेने के बाद ना मुझे फोन कर देना, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, जैसा कहो वैसा करूंगी। अब ये बताओ वापस कब आ रही हो? एक जरूरी काम में फंसी हूँ माँ, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। ये तुम मुझे 100 बार बता चुकी हो, ऐसे कौन से काम में फंसी हो तुम? भैया कॉफी शॉप में मैंने एक कमसिन कली देखी, और तो और मैंने उससे बात भी की। कहीं अकेले में चलना चाहोगी? क्या? मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे उससे बदला लेना है भैया, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सीसीटीवी फुटेज देख, वो लड़की तेरी तस्वीरें ले रही है। भैया क्या उस दिन भी यही तो नहीं थी? कोई बड़ी साजिश है। लड़की को उठा के लाओ, जाओ। कौन है ये बाला? एशियन इंडियन स्पाई? जैसे हमारे दुश्मन ने हमारे पीछे लगा दिया है। इसे हर हाल में ढूंढना होगा।
शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, हर गली हर रेस्टोरेंट कैफे हर हिंदुस्तानी लड़की को चेक करो, हो ना हो वो कोई जासूस है। माफ करना मोहतरमा, आपने कभी इस लड़की को देखा है? ए, एक पार्सल है। कितना बड़ा है? थोड़ा बड़ा है। टिक्की में डाल दे। चल अब आज चला। टैक्सी जिस तरह से वजन से हिली मतलब लोचा है। हाँ है, एक लाश है। अबे ये टैक्सी जिंदा लोगों के लिए, मुर्दों के लिए चार्ज अलग से लेता हूँ। कितना लेगा? 1000 यूरो। 1000 यूरो? चलो मैं दूसरी। टैक्सी नहीं चाहिए फिर भी पैसे देने पड़ेंगे। किस बात के पैसे? कैंसलेशन चार्जेस। कैंसलेशन चार्जेस? अबे ये खिलौना मत दिखा, ऐसे खिलौने से बचपन से खेलता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, बाद में मांडवली करते ना। बाद में कुछ नहीं। चल 1000 यूरो दे दूंगा, अब तो चल मेरे बाप, देर हो रही है। ठीक है। चल अब फटाफट डिक्की खोल। पहले रोकड़ा निकाल। पहले मेरा सामान तो निकाल। पहले अपना भाड़ा निकाल। ए! पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? बॉब मार्ली का भाई। अच्छा बॉब मार्ले, वो सिंगर? अरे उसका तो पूरा इंडिया फैन है, वैसे मैं भी अच्छा सिंगर हूँ। चल कैश निकाल। इतनी हिम्मत, पकड़ तेरे पैसे। चल रुक, तूने तो कहा था लाश है पर ये तो जिंदा है, अब अपन को डबल पेमेंट मांगता है। चल हट, नहीं दूंगा, क्या उखाड़ लेगा? क्या उखाड़ूंगा, अबे तेरे पास जो कुछ भी है सब फिर किसी लायक नहीं बचेगा। अरे ये दो कौड़ी के ड्राइवर से बहस मत कर, मैं देखता हूँ उसे, इसके मुंह पे पैसा फेंकना ही पड़ेगा। चल निकल। उठाने के लिए मेरी बंदी मिली। तेरी बंदी? माँ कसम अभी अभी पटी है, इसे वादा किया था सवारी छोड़कर इसे घुमाने ले जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इसने हाँ बोला था। ये रे, तू नहीं चाहता कि मेरा घर बसे? अब तो ये यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मारो मारो। रो, तेरा कोई भी बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तेरे जैसे 100 भी आएंगे तो मेरे जैसा अकेला उन पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए पंगा मत ले, माशूका दे दे। Oh!
ये पांच उंगलियां नहीं है, शेर का पंजा है। तेरे हाथों में वो दम नहीं है बे, जो मेरी गर्दन का नाप भी ले सके। टेढ़ा टेढ़ा सिंह, अगर वो वीडियो लोगों ने देखा तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, मेरे नाम पे थू थू होने लगेगी। खत्म कर दो उसे, जहां दिखे वहीं खत्म कर दो, जो भी सबूत उसके पास मिले मेरे पास ले आओ। मैं बीबीसी इन्वेस्टिगेशन में पत्रकार हूँ, यहाँ बॉब मार्ली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, मुझे पता है वो खतरनाक है, उसके बावजूद मैंने चैनल से रिक्वेस्ट की कि मैं ही ये प्रोजेक्ट करूंगी। वो एक बहुत ही बड़ा मुजरिम है, 2 साल से इस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रही हूँ, अब तो मेरे पास कई सारे सबूत हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से उसका कनेक्शन है, सिर्फ इतना ही नहीं कुछ भारतीय नेता भी उसके साथ मिले हुए हैं, अब मैं सबका पर्दाफाश करके रहूंगी। क्या बात है, तुम तो बहुत बहादुर निकली, ये बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? माँ है, एक छोटी बहन है, बस उनकी अच्छी जिंदगी के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ। माँ अक्सर बीमार रहती हैं, बहन का भविष्य भी सुधारना है, खुद के लिए फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा, जो कुछ करती हूँ सिर्फ उनके लिए करती हूँ। माँ शादी के लिए कहती हैं पर मैं बात टाल देती हूँ, और वैसे भी मेरे लायक लड़का कहाँ मिलेगा। क्या नाप शनाप बक रही हो, परिवार की देखभाल करना अच्छी बात है पर खुद की भी एक जिंदगी है, उसके बारे में सोचो, देखो आसपास कोई तो लड़का होगा जो तुम्हें पसंद हो। अगर आसपास भी हुआ तो पहचानूंगी कैसे? सिक्स सेंस, अगल बगल में देखो, खाली बीच पर अकेला रोमियो दिख जाएगा। शादी के लिए हाँ कह दो, लड़के की जिंदगी सवर जाएगी। पर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। ए, चश्मा पहन लो, आंखें खराब है। जुल्फे तो उड़ रही है, कहीं तेज हवा में तुम ना उड़ जाओ, जरा करीब तो आओ। ए, छोड़ो मुझे। हा? हा? क्या क्या कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी टेढ़ा। कहाँ जा रही हो? अपने घर। क्यों? मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तुम्हारा काम हो गया तो चली जाओगी, तो मैं क्या करूंगा? गुड नाइट। मैं यहाँ बैठा और तुम सोने जा रही हो, हम दोनों मिलकर बात नहीं कर सकते? बात तो कर सकते हैं, पर तुम तो नशे में हो। नशा तो तुमसे चढ़ा है, दरवाजा खुला रखकर सोना जाओ। गुड नाइट। हैं? दरवाजे को हाथ मत लगा, चल निकल यहाँ से, सारा नशा उतार दिया। ओहो, देखो जी भर के देखो। मुझे एक बात बताओ, जाना जरूरी है क्या? जाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जल्द ही लौट कर आऊंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो क्या उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ मेरा झगड़ा होगा? तुम लेने आओगे ना? हाँ, नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा।
बहन का फोन है। हाय बेटा, आज तुम पक्का आ रही हो ना? हाँ, बस एयरपोर्ट ही जा रही हूँ माँ। चलो चलो जल्दी आ जाओ, मैं भी तुम दोनों से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। जल्दी मिलते हैं। गाड़ी घुमा। से पहले अपनी खैर मना लो, उससे पंगा लिया तो मारे जाओगे। जानते हो वो कौन है? भारत का रॉ एजेंट है, वो हर तरह की लड़ाई लड़ सकता है। पलक झपकते ही तुम सबके सर धड़ से गायब हो जाएंगे। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी मानो, उसे छेड़ने की गलती मत करना, बुखार शेर है। छोटे मेरे भाई, उसे मारने का इरादा अपने जहन से निकाल दे। अरे सोच क्या रहा है, जल्दी आ जा। मैं कहता हूँ आ जा मेरे भाई। जल्दी आ जा, जल्दी आओ वहां से, जल्दी। मुझे पोर्चुगल आए 2 महीने हो गए। 2 दिन पहले सोचा था तुझे यही मारूंगा और तू मिल गया। ए, क्या कर रहा है? इतने सालों के संघर्ष के बाद बॉब मार्ली बना हूं मैं, और तू इतने छोटे से घोड़े से मारेगा मुझे? हाँ, कुछ जैसे घोड़े को मारने के लिए ही घोड़ा बना है। एक गोली तेरे अंदर और तू दुनिया से बाहर। भाई सुनो, क्या क्या लेगा तू? क्या तेरे को आईलैंड चाहिए? पोर्चुगल लेगा? पूरा पोर्चुगल तेरे नाम कर दूंगा। क्या फेंकता है? पोर्चुगल तेरे बाप की जागीर है क्या? नहीं, गलती हो गई भाई।
माफ कर दे, अरे बख्श दे, अरे छोड़ दे भाई। सर, वेयर आर यू? बॉब मार्ले मेरे सामने है, वो मेरी बंदूक की नोक पे है। लीव हिम। व्हाट? लीव हिम बाला, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्टर। सर, इस आतंकवादी को ढूंढने में पूरे 2 महीने लग गए, मेरे सारे साथियों को मार दिया इसने। आप ये ऑर्डर कैसे दे सकते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन, लीव हिम। मुझे गोली लगी है सर। What? Where? मेरे दिल पर घाव गहरा है, सांस लेना मुश्किल है, मैं मर रहा हूं सर। You can't die, Bara. You can't. भाई सर। Bara? आपके ऑर्डर्स पर मैंने बॉब मार्ली को छोड़ दिया। What? Where? सारिका को मार दिया, उस हैवान ने मेरी सारिका मुझसे छीन ली और फिर मुझ पर गोली चलाई। मैं मर रहा हूं सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। यू कांट डाई बारा, यू कांट। बहुत देर हो चुकी है बारा। जय हिंद सर। बारा, उसी वक्त से मैं अपनी नौकरी से नफरत करने लगा। डिपार्टमेंट को यकीन हो गया कि मैं मर चुका हूं। सारिका की जान मेरी वजह से गई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। सारिका ने जो वीडियो बनाया था उससे उसके परिवार को खतरा था, इसलिए मैं आप लोगों को बचाने यहाँ चला आया। मंत्री तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैंने कसम खाई है जो तुम्हारा बुरा चाहेगा उसे मैं नहीं बख्शूंगा। यस सर, जिस टेढ़ा सिंह को हमने हिरासत में लिया है वो अपने आप को रॉ एजेंट बाला बता रहा है। हमें उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, अब आप ही इस सच से पर्दा उठाइए। आप प्लीज मुझे सच बताइए, बाला अब भी जिंदा है? पास द फोन टू हिम एट वंस। हेलो सर, हाउ आर यू सर? बाला,
I will be with you in 2 hours. I will get you out. Yes. चीफ पर हमला हुआ है। इस हमले के पीछे किसका हाथ है ये अभी तक पता नहीं चला है। क्या ये काम किसी आतंकवादी का है? उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और उनकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और उनके हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लगा है। ए, 10 गोलियां और मार देते ना उस बुड्ढे को। जाओ और काम पूरा करो। मुझे खुशखबरी चाहिए। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। ए, तुम पे 30 खून करने का इल्जाम है और बिना तफ्तीश के तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते और रॉ चीफ कोमा में है। तो एजेंसी में बात करो, मेरा बाहर निकलना जरूरी है। मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब रॉ चीफ किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसके बारे में किसी और को कोई खबर नहीं होती, ना उसकी कोई तस्वीर होती है और ना ही कोई रिकॉर्ड। उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ चीफ को देता है। उसका नाम क्या है और वो कौन से मिशन पर है ये सिर्फ चीफ को पता होता है। तो फिर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? सिर्फ एक ही तरीका है, जब भी रॉ चीफ पहली बार किसी का भी इंटरव्यू लेता है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर वही सवाल उससे फिर से पूछे जाते हैं और फिर से वही जवाब मिलता है तो समझ जाओ कि ये वही है। हम उससे फिर से वही सवाल पूछेंगे। Expert in shooting. He can empty a whole magazine into a bullseye. I know his punch power. The name is Bala. Bala Krishna Nandamuri. मुझे दुनिया के सारे बड़े माफियाओं के नाम बताओ। जमैकन, अल्बेनियन, सर्बियन, इजरायली, मैक्सिकन, रशियन, कोलंबियन, जापानीज, चाइनीज एंड सिसिलियन। व्हिच इज द मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड? सिनेलोआ कार्टल, मैक्सिको एंड बोको हारा इन नाइजीरिया। व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? केजीबी नाकामयाब हुआ इसलिए, वहां के हर धर्म और जाति के लोग आजादी चाहते थे। हाउ वुड यू एंड टेररिज्म? टेररिज्म का कोई भी एंड नहीं है। जब तक सब एक नहीं होते आतंकवाद नहीं जाएगा। Do you like communism? पसंद ना पसंद करने वाला मैं कौन? हर एक इंसान अपनी सोच के हिसाब से चलता है। हिटलर की सबसे बड़ी गलती क्या थी? एक गलती हो तो बताऊं। बड़ी गलती ये थी कि ठंड के मौसम में रशिया पर हमला किया। If the third world war breaks out, what weapons will they fight with? सर आजकल जिस तरह का माहौल है, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ा जाएगा न्यूक्लियर वेपन भी कम पड़ेंगे। I like it. Purpose of the UNO? अमन और चैन कायम करना, जो बहुत ही मुश्किल काम है। Why is the CIA top in the world? यह गलत जानकारी है। It's Mossad, Israeli secret agency. क्या इंडिया पाकिस्तान कभी एक हो सकेंगे? झंडे को लेकर दंगा करेंगे, नेशनल एंथम को लेकर दंगा करेंगे, राष्ट्रीय भाषा को लेकर दंगा करेंगे। अगर दोनों एक होना भी चाहें तो नेता लोग ये होने नहीं देंगे। नामुमकिन मुमकिन नहीं हो सकता। What is the new war strategy? Economic hitman. समझाओ। समझो एक विदेशी हिंदुस्तान आया, यहाँ आकर तरक्की की बात करेगा, करोड़ों का कर्जा दिलाएगा वर्ल्ड बैंक से, जिसे अपना मुल्क चुका नहीं पाएगा, रिसेशन शुरू, फिर कोई और मुल्क हमारी मदद करने आएगा, वो पिछला लोन चुका देगा, बदले में हमें अपना मोहताज बनाएगा, अपने मुल्क का प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करेगा, टैक्सेस डबल हो जाएंगे, देश का नौजवान बेरोजगार घूमेगा और उन्हीं में से पैदा होंगे कम्युनिस्ट और टेररिस्ट। नेता धर्म का कार्ड खेलेंगे और ये चमचे हथियार उठाएंगे। हम एक बार फिर से गुलामी की जिंदगी जिएंगे। हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। बिना जंग किए फिर एक बार वो हम पर राज करेंगे।
This is new war strategy. Are you ready to die for your country? मैं तो पैदा ही उसी के लिए हूँ सर। How do you want to see your country? खुददार, ईमानदार, disciplined, साफ सुथरी, निडर, बहादुर। मैं अपने देश को सबसे ऊपर देखना चाहता हूँ। और एक सच्चा देशभक्त कभी अपने मुल्क से गद्दारी ना करे। इसलिए हर एक देशवासी देशभक्त होना चाहिए। जनगणमन का एक एक शब्द हमारी रगों में बस जाना चाहिए। किसी भी देशवासी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी एक एक सांस हिंदुस्तान की कर्जदार है। इंडिया इज माई प्राइड। सिर्फ यही एक देश है जहां हम सब एक हैं। ना कोई जाति ना कोई धर्म, हम हिंदुस्तानी हैं। मेरा भारत महान, इस जज्बे को सीने में मत दबाओ। मेरा भारत महान, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाओ। एक एक किसान, एक एक औरत, एक एक बच्चा, यहाँ तक कि भारत का हर एक नागरिक बोले I am an Indian। देश प्रेम से ही हम दुनिया के हर आतंकवाद से लड़ पाएंगे। जय हिंद। That's why he's licensed to kill। ओ भाई साहब, आप जरा इस तरफ आइए। रॉ चीफ पर गोली तूने मिनिस्टर के कहने पे ही चलाई है। बता तेरा बाप कहाँ है? बोल। भाई साहब, दिल्ली तक की लिफ्ट चाहिए। पायलट दिल्ली। समझदार है। Bala. How are you, sir? I am so happy to see you alive. आप ठीक हो रहे हैं ये देखकर खुशी हुई। I made a mistake, Bala. I should not have stopped you. I am sorry. अब जाके बॉब मार्ली को मार डालो। उस दिन आपके ऑर्डर से मैं काफी नाराज हुआ था। मैंने जब उसकी जान बख्श दी, उसने मेरी माशोका की जान ले ली। मैं बर्दाश्त ना कर पाया, जो मैं ऑन फील्ड ना कर पाया उसे खुद अंजाम देने का फैसला किया। रात दिन उसे पागलों की तरह ढूंढा और फिर एक दिन वो कब्रिस्तान में मिला जहां उसके भाई को दफनाया जाने वाला था। और फिर असली खेल शुरू हुआ। तू अपने भाई को दफनाने आया है और मैं दफनाने आया हूँ तुम सबको। मैंने वादा किया अपने भाई को, इसी कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ूंगा तुझे। हिम्मत है तो मुकाबला कर, फैसला भी हो जाएगा। इसी कब्रिस्तान की जमीन पर तुम सबकी मैं लाशें बिछाऊंगा। अब तेरा बचना नामुमकिन। Oh!
जिंदा लोगों को जलाया नहीं जाता, मुर्दों को जलाया जाता है। तो इंसान है या हैवान? उसकी लाश पे भी रहम नहीं आया तुझे? मेरे लाडले भाई के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए तूने। मैं ऐसा ही हूँ, जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता हर एक के चिथड़े ऐसे ही उड़ाता रहूंगा मैं। ऐसी आग अब तो गया। मार हो गया, तो अब मेरी बारी। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेफ कस्टडी में हूँ। जेल की रोटियां खाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, फिर कांड करूंगा। अब क्या उखाड़ लेगा तू, क्या उखाड़ लेगा? अबे तू किसे पकड़ रहा है, तुझे पता है? Wait, don't bring him in. He's a killer. He'll kill me. Get in the car. No. Don't make him sit with me. He's here to kill me. He's a big criminal. He killed my brother. गाड़ी रोको। I said stop the car. घर जाना है। किस तरह का इंसान है तू? यड़ा हूँ, पैदाइशी यड़ा। अब तू भाग के दिखा। एक रिक्वेस्ट है, हम दोनों को एक ही सेल में मत डालना। टेंशन ना ले, तू जेल तक नहीं पहुँचेगा। क्या क्या बकरा तू, क्या क्या कर लेगा तू? फोन करने का बहुत शौक है ना, चल फोन कर। अरे
इसे मार कर भी कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। चल जा। ऐसे मैंने उसे खत्म कर दिया। मिनिस्टर ही काले धंधे चला रहा था। बॉब मार्ले के नाम को प्यादा बनाकर वो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा था। इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने एक गेम खेला। गेल, मैं जीत गया। तुमने वादा किया था मैं जीता तो जाने दोगे। लेकिन मैंने तुझे ये नहीं बताया था कि मैं तुझे कैसे जाने दूंगा। कैसे? सारिका ने जो वीडियोस बनाए थे मैंने वो सारे वीडियोस न्यूज चैनल को दे दिए हैं। सर, गेट वेल सून। अगला मिशन क्या है बता देना। बाला? यस सर, मिशन की डिटेल्स मुझ तक पहुंच चुकी है। आर यू रेडी फॉर इट बाला? यस सर, आई एम रेडी। और देश के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। मेरे लिए देश सबसे आगे है सर। वेरी गुड बाला, शाबाश। मिस्टर टीढ़ा सिंह, कहाँ हैं आप? जंगल में भटक रहा हूँ, आराम फरमा रहा हूँ। मेरी जान मुझसे दूर है इसलिए सन्यासी बनकर घूम रहा हूँ। आपके साथ और कौन कौन है? कुछ आतंकवादी बाबा के भेष में जंगल में छिपे हैं। ऊपर से ऑर्डर है कि मैं इनकी खातिरदारी करूँ। कितनी बार एक ही बात दोहराऊं, सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली। Outers not allowed!